हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के लिए जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वहां पे एमफिल और पीएचडी पोजीशन निकली है, तो वो यूनिवर्सिटी रेवेंसा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके लिए आप बस गूगल पे टाइप करिए रेवेंसा। जैसे आप टाइप करेंगे तो रेवेंसा यूनिवर्सिटी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे रेवेंसा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.revensayuniversity.ac.in। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो रेवेंसा यूनिवर्सिटी जो की कटक में सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है कटक में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा एडमिशन। तो ठीक है, तो आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, एडमिशन प्रोस्पेक्टस, एमफिल पीएचडी एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपको बस क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या प्रोस्पेक्टस है वो आपको यहाँ पे पूरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं एमफिल प्रोग्राम की। तो देखिए, इन्होंने एमफिल प्रोग्राम के लिए डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 अक्टूबर है, और जो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो कि 9 नवंबर एंड 10 नवंबर है, और साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू या वाइवा पोस्ट होगा वो होगा 18 नवंबर को, और जो एडमिशन स्टार्ट होगा वो 26 नवंबर से। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फी ऑलरेडी मेंशन कर रखी, तो आपको यहाँ पे 1500 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। अब से बात करें सिलेबस की, सिलेबस जो एमफिल इंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा वो सेम होगा जो कि पीजी सिलेबस है रेवेंसा यूनिवर्सिटी का। तो आप जो है पीजी सिलेबस जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं रेवेंसा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अब बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर से 3 है, एक है रेवेंसा यूनिवर्सिटी खुद और एक कटक और उड़ीसा, तो 3 जगह जो है आपका एग्जाम होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए इन तीनों प्लेसेस पर जाना होगा, ठीक है। अब इन्होंने बात करी एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड का डेट वो मेंशन करेंगे डेट और टाइम, तो उसकी आप फिक्र मत करिए, वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दिया जाएगा। अब देखिए, इन्होंने बात करी एग्जाम पैटर्न की, तो रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा जो कि 2 घंटे का होगा, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, ठीक है, और आपको 1 घंटे पहले जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल्स पे पहले, और साथ ही साथ आपको मीन्स एग्जाम देने से के पहले आपको जो एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना होगा, ताकि क्योंकि वहां पे आपको आइडेंटिटी जानने के लिए वो आपसे आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो एग्जाम जब आप देने जाए तो आप एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाए। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी या वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो वैकेंसी भी है जो हम लोग बोल सकते हो सीट्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे बॉटनी में बात करें तो 5 सीट जनरल के लिए, 2 ST के लिए, 1 SC के लिए, तो टोटल 8 सीट्स हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, आप जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने आप फी भी मेंशन कर रखी है, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर आप साइंस एंड आर्ट्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में करना चाहते हैं तो लड़कों के लिए जो फी वो 8680 है, वहीं अगर हम बात करें आर्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल एंड कॉमर्स तो वहाँ पे 8630। तो इन्होंने देखिए एडमिशन फी भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करना है, ओके, और सबमिशन डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे जैसे आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा तो उसका आप जो है एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे मे भी वो आपका जो है हार्ड कॉपी मांग सकते हैं, ठीक है। तो अपने सबमिटेड एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी, और साथ ही साथ जो आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पे लेके जाना है 500 वर्ड्स का, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इट विल बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड इनसाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या लेके जाना है, और कुछ देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, स्टेज 1 जो है पहले आपका एंट्रेंस होगा, और एंट्रेंस में आपको 50% मार्क्स आना जरूरी है। जब आपका 50% मार्क्स आएगा तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न जो ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का मिलेगा, और उसका जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स होगा, ठीक है। अब आपको 50% एमसीक्यू जो है सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है या इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप जो 50% एमसीक्यू जो होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, और 50% जो होंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। तो
टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 2 आवर्स होगा एंड टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 50% मार्क्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिटन एग्जाम में 50% मार्क्स लाने हैं तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपसे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी, तो मैंने आपको ये सब चीजें जो है बता दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इतने जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एमफिल से रिलेटेड। अब हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए देखिए जो डेट है लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 है और एंट्रेंस एग्जाम 9 और 10 नवंबर को होगा, और जो डेट है वाइवा का वो या इंटरव्यू का 18 नवंबर होगा और एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो 26 नवंबर से होंगे। यहाँ पर भी एप्लीकेशन फी 1500 होगी। अब बात करेगा रिटर्न एग्जाम की, तो यहाँ पे 100 मार्क्स के होंगे जो एमसीक्यूज होंगे और वो टाइम पीरियड होगा वो 2 आवर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ एमफिल के समय होगा सेम चीजें इसमें भी होंगी। साथ ही इन्होंने देखिए यहाँ पे जो सीट्स है वो भी मेंशन कर रखी है, रिबॉटनी में 8 सीट्स में 5 जनरल 2 ST एंड 1 SC की है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आप जो है एप्लीकेशन जो है फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने देखिए फीस स्ट्रक्चर भी आप मेंशन कर रखा है, तो एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर या कोर्स में आपको 5000 पे करना है, एडमिशन फी 10000 है, सेकंड ईयर 10000, थर्ड ईयर 10000, तो टोटल 35000 जो है उन्होंने फी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पीएचडी में जैसे आपका एडमिशन हो तो आपको कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिना कोर्स वर्क के आपको पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगी जो कि रूल है। एप्लीकेशन फी ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1500 रुपीज है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसके साथ ही साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें चिपकानी है, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड 10th 12th डिग्री मास्टर डिग्री के जो भी सर्टिफिकेट है उसकी भी फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। साथ ही मार्कशीट की भी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और लास्ट क्वालिफाइंग पीजी यानी पीजी डिग्री अगर आपकी अर्न की है तो पीजी डिग्री की भी फोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगेगी। साथ ही साथ आपको रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे 2000 वर्ड्स का लिखना है, एमफिल में 500 वर्ड्स था लेकिन यहाँ पे आपको 2000 वर्ड्स का लिखना है। तो ये डिपेंड करता है, मे बी वो आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है पैनल के ऊपर कि वो आपसे कैसा जो है इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अब देखिए इन्होंने जो पैटर्न है वो भी सेम है, जैसे मैंने आपको एमफिल के बारे में बताया कि 2 आवर्स का एग्जाम होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इंटरव्यू के लिए आपके पास 50% मार्क्स जो है वो रिटेन में आपके होने चाहिए तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। सिलेबस ऑलरेडी मेंशन मैंने आपके साथ कर दिया है कि पीजी का जो भी सिलेबस है रेवेंसा यूनिवर्सिटी का वो वही उसका सिलेबस है, वो आप जो है देख सकते हैं रेवेंसा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अब देखिए यहाँ पे 70% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू टेस्ट का होगा और 30% वेटेज होगा वो इंटरव्यू है वाइवा बॉस के बेस पे होगा। तो इन दोनों के बेस पे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और जो इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपको 70% टेस्ट की बेस पे और 30% इंटरव्यू की बेस पर प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आप पीएचडी यहाँ पे करना चाहते हैं। तो चलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया पीएचडी और एमफिल पोजीशन जो कि रेवेंसा यूनिवर्सिटी में निकाली है, अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं एमफिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो जो है मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।